राजीव सातव संबोधन करी रह्या छे, जइए सीधा त्यां। होगा और जैसे अर्जुन भाई ने कहा 10 दिन नहीं 10 घंटे के अंदर कर्जा माफी की बात हमने की। महाराष्ट्र में 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कर्जा माफी 2 साल पहले उन्होंने डिक्लेयर की, 2% लोगों की भी कर्जा माफी नहीं कर पाए। कमलनाथ जी ने, हमारे इस प्रदेश के पूर्व प्रभारी अशोक गहलोत जी ने, छत्तीसगढ़ में बघेल जी ने खेडूतों की कर्जा माफी करके दिखाई, और ये कांग्रेस। पंजाब में हमारी सरकार आई, हमने पंजाब में खेडूतों की कर्जा माफी करके दिखाई। कर्नाटक में हमारी सरकार है, हमने कर्नाटक में खेडूतों की कर्जा माफी करके दिखाई। और राहुल जी ने कहा है, राहुल जी ने कहा कि युवाओं का रोजगार और खेडूतों की कर्जा माफी, ये हमारा एजेंडा होगा। और इसीलिए जो प्यार, जो प्रोत्साहन, जो ताकत आप सबने और गुजरात की जनता ने राहुल जी को दी, उसी ताकत के बदौलत आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पूरी ताकत से राहुल जी का काम शुरू है। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सच बात उन्होंने रखी कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी में है तो पुलिस डिपार्टमेंट में है, रेवेन्यू में है। पहले कौन था रेवेन्यू मिनिस्टर, पहले किसके पास था गृह मंत्रालय, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। और गुजरात की सरकार और भ्रष्टाचार, इसका समीकरण इससे स्पष्ट दिखता है। और इसीलिए पूरे देश में यह मैसेज गया, और आप देखेंगे कि 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में तो हम जीते, लेकिन 5 में से 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारी है, ये इतिहास है। यूपी में इनकी सरकार आई, मुख्यमंत्री सांसद थे, उन्होंने जिस जगह का इस्तीफा दिया, उप मुख्यमंत्री सांसद थे इनके, जिस जगह का इस्तीफा दिया, बाद में उस जगह पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई, ये इतिहास है। लोकसभा के जितने बायपोल हुए पिछले 2-3 साल में, जितने लोकसभा के पेटा चुटनी हुई है, उस पेटा चुटनी में 90% जगह पर भारतीय जनता पार्टी हारी है, ये इतिहास है। और इसीलिए देश में बदलाव आ, देश में बदलाव आ रहा है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज बदली है, अमित शाह जी की बॉडी लैंग्वेज बदली है, जिस एम्स में अमित शाह जी बीच में इलाज कर रहे थे, वो एम्स पंडित नेहरू जी ने वहां पर शुरू किया। इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी अभी समझ में आया है कि जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, अब वो हार उनके सामने क्लियरली दिख रही है। और इसलिए गुजरात में भी मूंगफली का कांड हो सकता है, कई सारे लोकरक्षक के पेपर में जिस प्रकार से गफला हुआ, ये